नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। कर्नाटक में उपचुनाव से पहले डीके शिवकुमार पर सीबीआई का शिकंजा, बेनामी संपत्ति की होगी जांच। इकरा ने कहा कि अगस्त के मुकाबले सितंबर में हवाई यात्रियों की संख्या 39% बढ़ी। मणिपुर में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 7 नवंबर को, चुनाव आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। मुंबई के नाले में बही महिला का शव समुद्र में मिला, घटना की जांच शुरू। शिवसेना ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस को बदनाम करने वाले लोग माफी मांगे। ईडी ने कहा कि रोज वैली ने निवेशकों को लौटाए 10,500 करोड़ रुपए। केंद्र ने बढ़ी पारिवारिक पेंशन के लिए निरंतर 7 साल की सेवा अनिवार्यता खत्म की। पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों पर करीब 5,000 आपराधिक मुकदमे। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर ट्रक में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। चीन से युद्ध से खतरे के बीच स्मार्ट का सफल परीक्षण, पनडुब्बी रोधी जंग में कई गुना बढ़ जाएगी नौसेना की ताकत। तमन्ना भाटिया की कोविड-19 टेस्ट निगेटिव, अस्पताल से हुई डिस्चार्ज। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद रिया चक्रवर्ती के समर्थन में उतरी अभिनेत्री स्वरा भास्कर, रिहाई की कर रही मांग। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी की सीख पर अक्षय कुमार खुद नहीं कर पाए अमल, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। फ्रेंच ओपन 2020 में क्यूतोवा 8 साल बाद क्वार्टर फाइनल में, जोकोविच भी 14वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। खेल संघों को अब आसानी से नहीं मिल सकेगी मान्यता, मंत्रालय प्रत्येक की स्पोर्ट्स कोर्स के अनुसार करेगी गहन समीक्षा। लक्ष्य सेन 13 अक्टूबर को होने वाले डेनमार्क ओपन का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। टोक्यो में जयशंकर से मिलेंगे पोम्पियो, चीनी गतिरोध के बाद है पहली मुलाकात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की नवाज शरीफ के भाषणों पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका। रूस में फिर बढ़ने लगे कोरोना वायरस के मामले, स्कूल की अचानक करनी पड़ी छुट्टी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी, पार्क लेन और थाटा जलापूर्ति मामले में दोषी करार। नेपाल में दांग को प्रदेश 5 की राजधानी बनाए जाने को लेकर विश्व में बवाल, विपक्ष ने तोड़ी कुर्सी और माइक्रोफोन। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर 24 नए ग्रहों की खोज की। नेतन्याहू से पीएम मोदी की हुई फोन पर बात, कोरोना से जंग में सहयोग बढ़ाने की बनी सहमति। चीन अपने दूतावास को लंदन के दूसरे हिस्से में शिफ्ट करेगा, मुस्लिमों ने शुरू किया विरोध। गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कहा कि टूटती शरणार्थी में बड़े सुधारों की तैयारी जारी।